खोखर बरादरान की लाकानूनियत का मामला, एलडीए की 5 चौकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक एमएनए मलिक अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर का व्हाइट हाउस खोखर पैलेस गैर कानूनी है। खोखर पैलेस के नक्शे एलडीए की बजाय टीएमए इकबाल टाउन से मंजूर करवाए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जोहो टाउन के प्लॉट पर कब्जा करके नर्सरी बनाई गई। ताहम एलडीए ने नर्सरी खत्म करके खोखर बरादरान से कब्जा बागुजार करवा लिया। जोहो टाउन में सैफ मार्केट में तामीरात की मंजूरी किसी मजाज अथॉरिटी से ना ली गई, जिस पर एलडीए ने सैफ मार्केट की 19 दुकानें सरबमोहर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जोहो टाउन में बनने वाला स्ट्रक्चर प्लान रोड खोखर पैलेस के दरमियान से गुजरेगा, लेकिन खोखर पैलेस से सड़क के लिए ताहाल अराजी हासिल नहीं की जा सकी। सुप्रीम कोर्ट में खोखर बरादरान के कब्जों की रिपोर्ट महकमा माल और पुलिस की जानिब से भी जमा करवाई गई। कैमरा टीम के हमराह शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।